स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव स्ट्रॉन्ग स्टडी पर। दोस्तों आज मैं लाया हूँ हायर सेकेंडरी परीक्षा जून 2022 कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का पेपर। दोस्तों आपको जो पेपर होने वाला है बायोलॉजी का, ठीक है, 13 जून 2022 को दोस्तों यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए इस पेपर में टोटल, ठीक है दोस्तों, इस पेपर में टोटल 19 क्वेश्चन आने वाले। उसके बाद दोस्तों ये पेपर आपके एग्जाम में 3 घंटे का आएगा। उसके बाद दोस्तों इस पेपर का यहाँ पर पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का, ये आपके एग्जाम में पेपर आने वाला है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए ये पेपर आपके एग्जाम में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। दोस्तों इस पेपर को आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले छात्र भी याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए इस पेपर का यहाँ पर कोड दिया हुआ है 231, ठीक है, आपके टाइम टेबल में इसका कोड मिला लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन आने वाला है। दोस्तों जिस स्टूडेंट को ये फेक पेपर लगता है कृपया चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन आने वाला है। लोग पहले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा जाएगा यहाँ पर समझ लीजिए। दोस्तों सही विकल्प चुनकर लिखे, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सही विकल्प का चयन करके लिखना है। ये आपके एग्जाम में 7 नंबर का सही विकल्प आने वाला है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या होती है। दोस्तों कितनी होती है हमको बताना है। दोस्तों हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन में से हमको एक ऑप्शन छाट का लिखना है जो सही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में दिया है, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ से पढ़ लीजिए, वो इनके उत्तर आपको आपकी बुक से लगा लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा देख लीजिए। दोस्तों दूसरे में क्या पूछा है, बिना निषेचन के अंडानुकान परिवर्धन कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है ये हमको बताना है। हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन में से हमको राइट ऑप्शन छाट कर लिखना है, सही उत्तर छाट कर लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा इंग्लिश वर्जन में भी यहाँ पर दिया है, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में है, ये इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ से देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा तीसरा हमारा सही विकल्प पूछा है आकारिकी तथा अनुवंशिक रूप से एक समान जीव कहलाते हैं। दोस्तों वो एक समान जीव क्या कहलाते हैं ये हमको बताना है। दोस्तों हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन में से हमको एक ऑप्शन छाट के लिखना है। दोस्तों आपका जो पेपर होने वाला है 13 जून 2022 को, रुक जाना है परीक्षा का, ठीक है, यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। और दोस्तों आपको इस वीडियो के लास्ट में एक बात बताऊंगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए हमारा यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा चौथा सही विकल्प देख लीजिए, जब नर और मादा जननांग एक ही प्राणी में पाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। दोस्तों वो क्या कहलाते हैं ये हमको बताना है। दोस्तों हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन में से हमको राइट ऑप्शन चार्ट कर लिखना है। दोस्तों आपके पास बहुत टाइम है इस पेपर को याद करने के लिए, ठीक है, तो दोस्तों इस पेपर को अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला हमारा सही विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है अर्धसूत्री विभाजन को कहा जाता है। दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन को क्या कहा जाता है ये हमको बताना है। दोस्तों हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन में से हमको राइट ऑप्शन छाट कर लिखना जो राइट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा छठा सही विकल्प देख लीजिए, छठे सही विकल्प में यहाँ पर क्या पूछा है होमोलिन क्या है। दोस्तों होमोलिन क्या है हमको बताना है। दोस्तों हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन में से हमको एक ऑप्शन छाट के लिखना है। और दोस्तों आपको YouTube पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, लाखों में हजारों मिल जाएगी दोस्तों, बट दोस्तों आपको वहीं पर विश्वास करना है जो आपके लिए सच है, रियल है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमारा 7वां सही विकल्प दिया है मानव है। दोस्तों मानव क्या है हमको बताना है। दोस्तों हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से हमको एक ऑप्शन छाट कर लिखना है। तो दोस्तों ये आपके 7 सही विकल्प कंप्लीट हो गए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन आने वाला। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दो में हमको यहाँ पर क्या पूछा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, खाली स्थानों की पूर्ति करके हमको लिखना है। दोस्तों हमको यहाँ पर 7 खाली स्थान दिए जो आपके एग्जाम में 7 नंबर के आने वाले। दोस्तों इनके उत्तर आपको आपकी बुक से याद कर लेना है, ठीक है, आपकी बुक से लगा लेना और याद कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा इसका इंग्लिश वर्जन में भी यहाँ पर दिया हुआ है, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन आने वाला। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीन में यहाँ पर क्या पूछा है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है, ये आपके एग्जाम में 7 नंबर का आने वाला है। दोस्तों हमको यहाँ पर 7 प्रश्न दिए, 7 प्रश्नों के उत्तर आपको आपकी बुक से मिल जाएंगे दोस्तों, जीव विज्ञान की बुक से, ठीक है, और याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका इंग्लिश वर्जन भी यहाँ पर पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन आने वाला। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर
चार। क्वेश्चन नंबर चार में यहाँ पर क्या पूछा, यहाँ पर समझ लीजिए, सही जोड़ी बनाकर लिखे। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करके आपकी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, जो आपकी एग्जाम होने वाली है आपको पास दोस्तों आपको दी जाएगी दोस्तों एक उत्तर पुस्तिका, ठीक है, उसमें लिखना है, ठीक है, या आपके एग्जाम सात नंबर के आने वाले दोस्तों। तो दोस्तों इस सही जोड़ी को भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, एक तरफ हमको दिया है दोस्तों कॉलम ए दिया है, एक तरफ दिया दोस्तों हमको कॉलम बी दिया है, तो दोस्तों कॉलम ए से हमको कॉलम बी में मिलाना है, ठीक है। तो इस सही जोड़ को आप अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसका इंग्लिश वर्जन में यहाँ पर दिया हुआ है, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ से पढ़ लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन आने वाला दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पाँच। क्वेश्चन नंबर पाँच में क्या करना हमको दोस्तों, ये दो दो नंबर क्वेश्चन आने वाले हैं, इनके उत्तर आपको 30 शब्दों में लिखना है, ठीक है। कितने शब्दों में दोस्तों, 30 शब्दों में इनके उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर पाँच यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर अतो क्वेश्चन दिया है, आपको दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना अच्छे से दोस्तों। सबसे पहले आपको इन प्रश्नों को अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद इनके उत्तर आप याद करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप हमारा छठा क्वेश्चन देख ले, छठे क्वेश्चन में भी दोस्तों हमको यहाँ पर अतो क्वेश्चन दिया है, तो आपको दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है दोस्तों। इनके उत्तर यदि आपको ऐसे याद नहीं हो रहे तो इनके उत्तर आप लिख लिख के याद करें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप हमारा सातवां क्वेश्चन देख लिए, जो सातवें क्वेश्चन में हमको यहाँ पर अतो क्वेश्चन दिया है, आपको दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है, या आपके एग्जाम में दो नंबर क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों आप हमारा आठवां क्वेश्चन देख लिए दोस्तों, आठवें क्वेश्चन में भी हमको यहाँ पर अतो क्वेश्चन दिया है, आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है दोस्तों, ये आपके एग्जाम दो नंबर क्वेश्चन आने वाला है। दोस्तों आपको इस चैनल पर सभी प्रकार के पेपर मिल जाएंगे, इसलिए दोस्तों आप चैनल के अंदर जाकर सभी प्रकार के पेपर देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। वो जो भी आपके एग्जाम होने वाले उनके सभी के पेपर आपको टाइम पर उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा नौवां क्वेश्चन देख लिया दोस्तों, नौवें क्वेश्चन में भी हमको यहाँ पर अतो क्वेश्चन दिया है, आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है, आपके एग्जाम दो नंबर क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन आने वाला दोस्तों, यहाँ पर दसवां क्वेश्चन दोस्तों, दसवें क्वेश्चन में यहाँ पर हमको यहाँ पर अतो क्वेश्चन दिया है, आपको दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है, आपके एग्जाम दो नंबर क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे ग्यारह क्वेश्चन देख लिए दोस्तों, आपको मैं प्रश्नों को पढ़कर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी जिससे आपका टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ग्यारह क्वेश्चन देख लिया दोस्तों, ग्यारह क्वेश्चन में हमको यहाँ पर अतो क्वेश्चन दिया है, आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चनों का आंसर अच्छे से याद कर लेना है, या आपके एग्जाम दो दो नंबर क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा बारह क्वेश्चन देख लिया, तो बारह क्वेश्चन में भी हमको यहाँ पर अतो क्वेश्चन दिया है, आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है, या आपके एग्जाम दो नंबर क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तेरह क्वेश्चन देख लिया दोस्तों, तेरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में तीन नंबर क्वेश्चन आने वाला है, और दोस्तों आपको तेरह क्वेश्चन में क्या करना है दोस्तों, आपको इनके उत्तर आपको 75 मतलब 75 शब्दों में इनके उत्तर लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों हमको यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए, आपको जो अच्छे क्वेश्चन लगे दोस्तों उनके उत्तर याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा चौदह क्वेश्चन देख लिया दोस्तों, चौदह क्वेश्चन में भी हमको यहाँ पर अतो क्वेश्चन दिया, आपको दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है, या आपकी एग्जाम में तीन नंबर क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा पंद्रह क्वेश्चन देख लिया दोस्तों, पंद्रह क्वेश्चन में भी हमको यहाँ पर अतो क्वेश्चन दिया है, आपको दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है, या आपके एग्जाम तीन तीन नंबर क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों आप हमारा सोलह क्वेश्चन देख लिए, तो सोलह क्वेश्चन में भी हमको यहाँ पर अतो क्वेश्चन दिया, आपको दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है, आपके एग्जाम में तीन नंबर क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों आप हमारा सत्रह क्वेश्चन दिया है, सत्रह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में दोस्तों यहाँ पर चार नंबर क्वेश्चन आने वाला है। दो सत्रह क्वेश्चन जो लास्ट मतलब दोस्तों सत्रह क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में चार नंबर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में चार नंबर क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आपको दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 18 क्वेश्चन बचा है, जो 18 क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों पांच नंबर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है। दोस्तों ये बहुत सिंपल, बहुत अच्छा, बहुत आसान पेपर है, ठीक है, इस पेपर को आप अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन जो 19 क्वेश्चन बचा है दोस्तों, ये आपकी एग्जाम में पांच नंबर क्वेश्चन आने वाला है, आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है। इसके साथ ही आपको दोस्तों यहाँ पर दिया गया है दोस्तों इंग्लिश वर्जन में भी, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यह हमारा पेपर कंप्लीट हो गया दोस्तों, ये आपके एग्जाम में दोस्तों 70 नंबर का ये पेपर आने वाला है। उसके बाद दोस्तों इस पेपर में टोटल 19 क्वेश्चन आने वाला है, तो ये पेपर अच्छे से याद कर लीजिए और इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। और दोस्तों आपको इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको इस पेपर को अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों कुछ ही टाइम में दोस्तों कुछ ही समय में आपको एक और पेपर दूंगा, तो आपको क्या करना है, इस पेपर को याद कर उस पेपर को आप अच्छे से देख लेना है, ठीक है, जिससे आप एग्जाम में 70 में से दोस्तों आप 65 नंबर अच्छे से ले आओगे, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो
दोस्तों आप चैनल पर जाकर चेक भी कर सकते हो पुराने पेपर जो आए 100% रियल गारंटी के साथ आए हुए एग्जाम में, ठीक है। और दोस्तों इस पेपर के साथ आपको, ठीक है, इस पेपर की पीडीएफ आपको दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद साथ ही दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।